आप कितनी भी अच्छी स्कूल से पढ़ो कॉलेज से पढ़ो आपके पास कितना भी अच्छा बिजनेस आइडिया क्यों ना हो अगर आपके पास उन आइडियाज को उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करने की स्किल्स नहीं है हुनर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आप पैसे नहीं कमा पाओगे आप अमीर नहीं बन पाओगे इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर स्किल्स हुनर डेवलप करो अब कौन सी कौन सी स्किल्स आज के टाइम पर बहुत जरूरी है आपके अंदर डेवलप होना वेल इस क्वेश्चन के आंसर्स कई सारे इंटरेस्टिंग आंटोप्रीनर से मैंने पूछा है जिसके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना मैं भी कुछ स्किल्स शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है इसलिए वॉश

फर्स्ट इज सेल्फ एस्टीम आई थिंक ये स्किल बहुत लैक करती है एंड मैंने आई हैव सपोर्ट दिस फर्स्ट एंड आई थिंक मेरे को हमेशा ही लगता है कि आई एम नॉट गुड जितना भी मुझे कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन दे जितना भी मैं डेटा में देखूँ कि जा रहा है सब ठीक फिर भी मेरे को एक सेल्फ एस्टीम का इशू है वो बचपन से ही है दर इज समथिंग एम वर्किंग ऑन थेरेपी आई थिंक ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि मतलब यू विल भी एबल टू डू इट यू डोंट डाउट योर सेल्फ आई थिंक यू हैव सो मच पोटेंशियल विद इन यू इफ ओनली यू पुट योर माइंड टू इट ंगथिंग वो मिला है डजेंट मैटर की कितना बड़ा वो गोल था कंपेर्ड टू वेर आई स्टार्ट एट ठीक है तो सेल्फ एस्टीम रखो बिकॉज hmm. वह, वही पे सब स्टार्ट होता है सेकेंडली आई थिंक दिस इज अटिल एंड इट्स कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज टू समबडी

तो कॉपी राइटिंग और सेल्स का स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक दीज आर वाई टॉप थ्री स्किल्स एंड आई थिंक लाइक टू मोर स्किल्स दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर समबड़ी इज या टाइम मैनेजमेंट आप अंकुर का कोर्स ले सकते हैं अगर चाहे तो <laughs> okay. और बिकॉज यू नो स्पेशली एज अ फ्रीलांसर दर सो मेनी थिंग्स यू नीड टू डू एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट वी वर्क अ अलॉड एंड वी आर वर्कॉलिग्स हमको देख के नॉट टू समस्टेंट दैट इज नॉट बिकॉज़ जब आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो आप तीन लोगों का जॉब कर रहे हो आप अपना कर ही रहे हो दूसरा आपको जिस लेवल पे जाना है उसके लिए अलग काम करना पड़ता है प्रीवियस जॉब टू दैट पर्सन ऑल्सो नाउ यूर टेक्निकली टाइम मैनेजमेंट स्किल अगर आपका बुरा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे सो टाइम मैनेजमेंट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट दिफ्थ स्किल वुड प्रोबली बी टेकिंग केयर ऑफ यूर में Okay. Uh, and understanding how your body functions, because I think for the longest time I really did not understand that, and uh, I used to have like huge ups and downs for no reason at all, because I, I just did not know how to control my emotions. Having that in check has definitely helped a lot, and having consistent growth in my career. Right. Some of the biggest learnings has been that it doesn't matter what your profession is. You are. you are a software developer, you are a doctor, you are, anything. Right. बट uh, कुछ चीजें हैं जो हर एक प्रोफेशनल को आनी चाहिए लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी लाइक सॉफ्ट स्किल्स अराउंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हो आप अपना स्केड्यूल कैसे मैनेज करते हो right. ये सारी चीजें टाइम का इंपॉर्टेंस राइट right? ये सारी चीजें ना किसी को कभी सिखाई नहीं गई ना ही तो स्कूल में ना ही तो कॉलेज में सो so, ये चीजें मोस्ट ऑफ द पीपल अभी करेंटली जैसे लोग सीखते हैं वो बुक्स पढ़ के सीखते हैं खुद से जिसके right. लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस राइट प्लस गाइडेंस

लोगों को ना उसके साथ काम करना अच्छा लगता है जो उसके लिए काम इजी कर दे राइट जो कम्युनिकेशन में जैसे अगर आप पीपल स्किल्स होती है होती है है ना पीपल स्किल्स होती कम्युनिकेशन में आपसे आप अगर मुझे काम है मैं पॉइंटर्स बना दूं कि की इसका यस नो यस नो यस नो आंसर दे दो राइट उस फॉर्मेट में बना के आपको भेज दू जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए राइट right. आंसर करना सो आई थिंक ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जिसमें एम्पथी आ जाती है फॉर समबीस नहीं एक आई होता है और एक होता है इक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस एक बुक है yeah. उसके अंदर ये EQ की बात की है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार आईक्यू से आई क्यू थोड़ा कम है लेकिन ई ज्यादा है ना yeah. तो तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे बिकॉज जिंदगी में हर चीज देखो इट्स अबाउट पीपल हम लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको yeah. बेच रहे हैं yeah. उनसे ही बातें कर रहे हैं उनके साथ मिलकर ही बना बनाने इट्स ऑल अबाउट पीपल और लोग लेकिन ज्यादातर जब बिजनेस भी बनाया जाता है कई बार तो ऐसा नहीं सोचते सिर्फ पैसा पैसा सिस्टम ये वो बहुत रोबोटिक काइंड ऑफ करने की कोशिश करते है तो सही भी है एक लेवल के बाद लेकिन इनकी होना भी बहुत जरूरी है सही बात है यार भाई हार्ड स्किल्स के ऊपर आपका मतलब कौन सी हार्ड स्किल्स आपको लगता है अच्छी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे जो लोगों को सीखनी चाहिए कुछ तीन हार्ड स्किल्स ऐसी कुछ यार तीन नहीं है सिर्फ एक ही है एंड अगर वो सीख जाए तो आई थिंक सब कुछ सीखना आ जाता है एंड दैट इज लिखना लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि साइंटिफिकली हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ध्यान लिखने पे देता है क्योंकि वो स्लोएस्ट फॉर्म है एक्सप्रेशन का जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हमारे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है और मैं जो बोल रहा हूं उसके दरम्यान मिली सेकेंड्स का फासला है इंस्टेंटली जैसे ही कुछ आता है मैं बोल, बोल हूँ आप वैसे ही सुन भी पा रहे हैं तो आप मेरा जो भी सेंटेंस है उसको सुन रहे हैं एंड दैट इज द फास्ट फॉर्म ऑफ कंजम्पशन लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं कुछ बोलूंगा जिशान आप लिखना शुरू करो तो आप कैचअप नहीं कर सकते एंड इसलिए नहीं क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड फास्ट नहीं है इसलिए क्योंकि लिखने में ना कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है आपको उन सारे वर्ड्स को कनेक्ट करना है इन अ सेंटेंस कि आप उसे लिख पाएं तो जब आप लिखते हैं आपका दिमाग स्लो हो जाता है और सारे जो ख्याल हैं आपके दिमाग में उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल आप उस पॉइंट पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको पिक करके वो लिखता है इसीलिए लिखना इज अ वे ऑफ स्लोइंग डाउन योर कम्युनिकेशन एंड बींग प्रिसाइस अराउंड व्हाट यू वांट टू से तो जब मां बाप बोलते थे ना कि यार पढ़ते हुए लिखो उससे याद होगा दे आर एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ वो साइंटिफिकली प्रूवन है वो ऐसे मजाक नहीं कर रहे थे झूठ नहीं बोल रहे थे मनगणना नहीं था शायद उनको नहीं पता था कि क्यों है लेकिन इट इज़ एक्चुअली द ट्रोथ कि लिखने से हमारी क्लैरिटी बढ़ती है और हम याद ज़्यादा कर पाते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं एंड क्यों लिख रहे हैं सारे यंगस्टर्स को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों देखिए अभी का डिस्ट्रैक्शन जिंदगी भर का फ्रस्ट्रेशन है ना तो अभी आपको बहुत फोकस होने की जरूरत है आई नो ये आपके खाने खेलने मस्ती करने कॉलेज में धूम मचाने के दिन है बट उसके बावजूद भी हफ्ते में एक दिन करो दो दिन करो बट ये याद रखो कि आपका लॉन्ग टर्म का फोकस क्या है और छह दिन थोड़ी अपनी जान लगा दो उन चीज़ों में जो कि आप करना चाहते हो पहली चीज आप आज की डेट में स्पीकिंग या यूट्यूब क्रिएट करना आज जशान भाई का यूट्यूब चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल है हज़ारों लोगों के यूट्यूब चैनल है और हम लोग उतना इनकम जो कि एक आदमी शायद पूरे साल भर सुबह दस से शाम को आठ बजे तक मेहनत करके और कर कमाता है उतना तो शायद हम लोग तीन चार दिन पाँच दिन एक स्टूडियो में आके वीडियोस बना के कमा लेते हैं पूरे साल भर का कैन यू इमेजिन दिस तो ये एक नया सोर्स है पैसा कमाने का आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको इस स्किल को डेवलप करना ही करना है छोटा छोटा करिए भले आपको उतना पैसा आए ना आए हो सकता है आप उतना प्रोफेशनली ना कर पाएं लेकिन करिए इसको डेवलप। आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं मैथमेटिक्स को सिखाना शुरू कीजिए डिजिटल मार्केटिंग कीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कीजिए डोंट लेट सोशल मीडिया कंज्यूम यू यू कंज्यूम सोशल मीडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जितने भी अच्छे लोग देखोगे ना जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो सोशल मीडिया पे बैठा है और दिन में पांच घंटे लगा दिया उसने दूसरों की रील्स देखने में पांच मिनट देख लेते होंगे तो टू गेट दईडिया दस मिनट देख लेते होंगे कभी कभी रिसर्च के लिए बैठे तो एक घंटा देखेंगे रिसर्च के लिए बट वो रिसर्च होगी फोकस्ड कि आज मुझे इस चीज पे कंटेंट बनाना है तो इस पर हम एक घंटा रिसर्च करते हैं दोस्तों बस ये मैं आप लोगों को कहूंगा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाइए अपने गोल के ओरिएंटेड हो जाइए और फिर देखिए जिंदगी में कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होगी तब तक काम करते रहिए जब तक जो भी आप पाना चाहें वो सस्ता ना लगने लग जाए सबसे इंपॉर्टेंट और बात करने के लिए सबसे पहला मैं आपको एक टिप दूंगा कि अपनी कहानी शेयर करो यार मैं सुबह निकला मेरे पास एकदम से मैंने देखा यार मेरे पास तो बस के भी पैसे नहीं है बस में मैं चढ़ चुका हूँ वहां से टिकट कनेक्ट कर रहा है अब मैंने क्या क्या करो जो भी आपकी कहानी नहीं। ये नहीं कह रहे कि भाई मैं लैम्बो से उतरूंगा तो उसी को कहानी बोलते हैं यार तो है। तो तो जो कहानी है वो कहानी है उस पर लैम्बो गिनी और उसका कोई फर्क नहीं है तो नहीं। नहीं। कहानी सुनाना शुरू कर दो रोज तो अपने फेलियर्स के बात करो यार देख आज तो बहुत पेट निकल आया आज आज ये वैसे बोल बोला नहीं जा रहा अपनी जिन चीजों पे दुनिया मजाक उड़ाती है राजा आपको लगता है उसकी बात करना शुरू कर दो उससे दो चीजें होंगी आपका डर खत्म होगा और कोई और जो देख रहा होगा हो भाई अभी आने अपने की बातें करता है यार मैं क्यों डर रहा डरा तो आप दूसरों के अंदर जान भरोगे तो दैट इज नंबर वन बात करना सीखो अपनी शे, स्टोरी शेयर करो नंबर वन नंबर टू सबसे मेरे दिल की सबसे क्लोज चीज है कि इंसान अपनी संगत से बनता है संगत से रंगत बनती है मैंने लिख लिया हेल्थ में फाइव ऑन टेन स्पिरिचुअलिटी में ओके सेवन ऑन टेन ओके बिजनेस में सिक्स ऑन टेन यार मुझे यहाँ फैमिली में तो फैमिली में मुझे क्या करना चाहिए मुझे इन लोगों की संगत में रहना चाहिए जो मेरे पुपा जी है मामा जी हैं ये अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं इनके साथ रहूंगा तो एट में तो यूट्यूबर पॉडकास्ट में मुझे भाई के आसपास रहना चाहिए यहां मैं ऐसे बनूंगा तो अपनी संगत को ऐसे बदलते रहो सो so, ये मेरा सेकंड पॉइंट है और थर्ड थिंगे तो इससे ज्यादा जरूरी बात हो ही नहीं सकती जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ जब आप लोहा उठाते हो जब आप एक्सरसाइज करते हो जब पसीना निकलता है जब दिल का रेट होता है जब बंदा ऐसे करके खड़ा होता है हाँ जब रीण की हड्डी सीधी खड़ी होती है कॉन्फिडेंस आता है ना जैसे आपने ना सारी बातों की एक बात कॉन्फिडेंस जिम से बंदा निकलता है ना बंदा शर्ट वर्ट पहन के निकलता है वो देखता है कि ठीक भाई हम भी कुछ थे आपने <laughs> था था। वो पूरा दिन खींच देता है और नहीं खींचना तो दिन में दो बार कर लो अगर दो बार जरूरत है तो लेकिन उस राम मारना है और हमेशा लगता है निशाने राइट हुनरमंद बन जाओ तो आपको क्या लगता है कौन से स्किल्स पे आज के टाइम पे यूथ को फोकस करना चाहिए उसको स्प्लिट करते हैं ओके ओके फाइनेंस की स्किल स्प्लिट करते हैं मार्केटिंग की स्प्लिट स्प्लिट स्किल करते हैं एचआर की स्प्लिट करते हैं बिकॉज आई थिंक ये तीन चीजें एसेंशियल है अगर आपको एक बिजनेस अच्छी तरह से बनाना हो तो फाइनेंस की स्किल में अगर मैं कहूँगा तो एक एवरग्रीन स्किल है जो बिजनेस प्लान बनाने की स्किल और बिजनेस प्लान मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक जब भी लोग करते हैं ना बिजनेस प्लान बनाने के टाइम वो बहुत पाँच साल आगे सोचते हैं okay. पहले छः महीने के लिए सोचो उसके पहले पहले तीन महीने के लिए सोचो उसमें अगर आप देखो कि आपके खर्चे एग्जैक्टली exactly क्या होंगे मंथ वन में मंथ टू में मंथ थ्री में आप कितना बेच पाओगे मंथ वन में मंथ टू में मंथ थ्री में और एग्जैक्टली exactly कैसे बेच पाओगे ये मंथ वन टू थ्री में okay. तो आई थिंक वो एक बिजनेस प्लानिंग स्किल तो एक चीज़ ये है सेकेंड अगर आप मार्केटिंग में देखोगे तो आई थिंक अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है hmm. तो आपके स्किल्स क्या है कि जीशान भाई जैसे बड़े आदमी को आप कन्विंस कैसे कर पाओगे हाँ। कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट एटलीस्ट देख हाँ और फिर किसी को कन्विंस कर सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल है आ, ये एड प्लेटफॉर्म्स की स्किल मतलब आप क्योंकि हर एक एड प्लेटफॉर्म में ना एक ऐसा एक टाइम आता है कि उन्होंने नया एड यूनिट लॉन्च किया और वो नए एड यूनिट को लॉन्च करने में वो नॉर्मली वो एड यूनिट ज़्यादा सस्ते में बेचेंगे मतलब फेसबुक हो या गूगल हो यूट्यूब हो जो भी हो कुछ नया लॉन्च करेंगे ना तो वो पहले टाइम पे थोड़ा सस्ता होगा okay. और वो अगर आप उसने मास्टर कर दिया कि क्या सस्ते में आने वाला है और मैं उसको चला कैसे सकूँगा yeah. तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्किल है yeah. और सेकेंड इज़ की जनरली डिजिटल मार्केटिंग में रन करना कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे करना है क्रिएटिव में क्या होना चाहिए ताकि कंज्यूमर को लगे कि हाँ इसमें वैल्यू है मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं बाय करूँगा okay. तो क्लैरिटी ऑफ मैसेज नंबर वन क्लैरिटी ऑफ टारगेटिंग क्लैरिटी ऑफ लैंडिंग पेज एंड ईज ऑफ ट्रांजेक्शन ये फनल अगर किसी ने मास्टर कर ली okay. तो वो एक इम्पॉर्टेंट मास्टरी है ये तीन स्किल और आपको अगर आप पकड़ोगे एच में तो मेरा पहला सजेशन होगा कि कोई भी आप कंपनी बना रहे हो ना अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी हो तो फर्स्ट पर्सन आप एच को हायर करो बिकॉज okay. एच आपको लेके आएगा और डाइवर्स टैलेंट और एच में जो आप स्किल बना सकते हो ना ब्रांड हायरिंग ब्रांड का स्किल वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है व्हाट आई मीन बाय हायरिंग ब्रांड कि लोगों को लगना चाहिए कि भाई मुझे मुझे इसके साथ ही काम करना है एच स्किल वो है कि आप एन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो बेस्ट एनवायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो सेकंड इज एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत टाइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिकॉज आज स्किल्स का ज़माना है तो एक बहुत डिफिकल्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट अगर आप बनवा सकते हो और या बना सकते हो खुद आइडियली जो लोगों को पास करनी पड़े ताकि आप जो लोगों को अंदर लेके आए उनकी स्किल लेवल बहुत अच्छी है और मार्केट के हिसाब से मार्केट से थोड़ा ज्यादा पे करो ताकि फिर आप बेस्ट से बेस्ट निकलवाओ और बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ राइट ये आई थिंक भाई आपने पूरा मिनी कोर्स दे दिया एक बिजनेस के ऊपर <laughs> जितनी भी बातें आपने पांच मिनट में करी है ना बस यार यही कर लो बहुत अच्छा बिजनेस बन जाएगा आपको क्योंकि यही है पूरा आई थिंक है ना इसको मैं तो बोलूँगा आप लोग लिख लेना जितने भी बहुत अच्छा रहेगा लिख के रख लेना और इसके ऊपर एक एक करके उसको विन करने की कोशिश करो ये तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको अब करने जाओगे तो एक दो महीने में हो जाएगा सालों सालों लगता रहेंगे और वो तो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होगा हो मेरे हिसाब से इसमें भी इंप्रूवमेंट तो जिंदगी भर आता ही रहेगा ये सारी चीज़ों पर